हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर शालिनी मैम. वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल. आज मैं 10th क्लास केमिस्ट्री का 5th चैप्टर लेकर आई हूं आप लोगों के लिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एक तरह से केमिस्ट्री का काफ़ी बेसिक चैप्टर है. मतलब इसमें आप जो बेस होता है केमिस्ट्री का, वो आप यहाँ से बहुत कुछ क्लियरिफाई करेंगे. तो इस चैप्टर की वीडियोज़ को ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा और आगे जाके जो साइंस लेंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. और ये 10th क्लास केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इससे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ जाते हैं. और अब आपको पेपर है, जो आपको पता ही है कि CBSE का जो पेपर आ रहा है बिल्कुल टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहा है, तो इसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. तो यू शुड नो. और बहुत ध्यान से देखिएगा, रिपीट कर देखिएगा वीडियोज़ को. तो हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. इस वीडियो के अंदर मैं बिगिनिंग की जो क्लासिफिकेशन हुई थी पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, वो बताऊंगी. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं, अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं. अगर हम देखें हमारे पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं. अब हमने पीरियोडिक टेबल बनाया, क्या ज़रूरत थी हमारे को पीरियोडिक टेबल बनाने की? हम ऐसे भी पढ़ सकते थे, क्या दिक्कत है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, आपको अगर साइंस की बुक देखनी है, आपको हिस्ट्री की बुक देखनी है, आपको स्टोरी बुक देखनी है, मैगजीन्स हैं, उनका एक अलग अलग कॉलम बना होता है. क्यों नहीं सारी बुक्स ऐसे ही मिक्स करके रख दी जाती है, सारे सब्जेक्ट्स की, सारे टॉपिक्स की, सारी मैगजीन्स, सारी नॉलेजेबल बुक्स, क्यों क्यों नहीं रखते हैं लाइब्रेरी में सब मिक्स करके? सब कोई क्लासिफिकेशन क्यों दिया गया है कि ये हिस्ट्री की है, ये ज्योग्राफी की है, ये साइंस की है, केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की है, ठीक है? और उसमें भी ग्रेड वाइज, क्लास वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है कि इस लेवल की है, इस लेवल की है. क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि जब हम लाइब्रेरी के अंदर एंटर करें तो हमारे को हर डिफरेंट टॉपिक की बुक आसानी से पिक करने में बहुत डिफ़िकल्टी ना आए. तो इसलिए हम जाते हैं तो ऑर्गेनाइज वे में सब कुछ मिलता है. अब इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में, अगर हमारे को किसी भी एलिमेंट के बारे में, एक सिंगल एलिमेंट के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है, तो हम कहाँ तक 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, लर्न करेंगे? तो इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए, ठीक है, जैसे लाइब्रेरी के अंदर हमारी डिफ़िकल्टी कैसे दूर हुई कि जो सिमिलर सब्जेक्ट की बुक्स हैं उनको एक कॉलम में रखा गया, एक शेल्फ के अंदर रखा गया, क्लास वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वैसे ही पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स था जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको एक साथ रखा गया, ताकि अगर हम उस पूरे एक ग्रुप को पढ़ते हैं उनके बारे में तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे को पता रहे और जितने एलिमेंट्स उस ग्रुप के अंदर बिलोंग करते हैं हमारे को मालूम रहे. ऐसे अब फॉर एग्जांपल लेते हैं, 9th और 10th का एक स्पेसिफिक सिलेबस है कि साइंस का ये सिलेबस है, मैथ्स का ये सिलेबस है, इंग्लिश का ये सिलेबस है. अब बच्चों को पता है, जो 10th क्लास के CBSE के स्टूडेंट हैं उन्हें पता है हमारे को साइंस में यही सिलेबस में से पढ़ना है. उनके पास एक पूरा परफॉर्मा है कि हाँ हमारा ये सिलेबस है. इसी तरीके से एलिमेंट्स जो एक ग्रुप में रखे जाते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप में रखे जाते हैं, उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है. तो अब अगर आप पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लोगे तो किसी भी एलिमेंट्स को वहाँ पर स्टडी कर लो, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी. इसलिए पीरियोडिक टेबल का डिस्कवरी हुई, ठीक है. अब बात करते हैं नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो मैंने आपको इतना इलाबरेट करके बताया, अब उसको सिंपल वे में समझते हैं. टू मेक द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ईजिली, 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना मुश्किल है, पर अगर हम उन्हें क्लासीफाई कर देते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रुप में रख देते हैं, तो उनकी स्टडी को करना और उनकी क्लासिफिकेशन को करना हमारे लिए ईजियर हो जाएगा. इंक्रीज इन डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स मेड इट डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल द एलिमेंट्स. जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती जा रही थी, पहले कम थे, फिर और ज़्यादा ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, तो जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी, सो उनको ऑर्गेनाइज करना एक साथ, दैट वॉज डिफिकल्ट. तो उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया जाता है. सो इंक्रीज इन द डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स मेड इट डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल द एलिमेंट्स. सारे एलिमेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, किसको कहाँ पर रखा जाए, ठीक है. सो द एलिमेंट्स विद द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वर ग्रुप्ड टुगेदर. तो जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनको एक साथ ग्रुप में रखा गया. तो दिस इज द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. नाउ देर इज़ अ टर्म पीरियोडिसिटी. हमारे चैप्टर का नाम ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से हो रहा है, तो इसी से ये टर्म लिया गया पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी बेसिकली होता क्या है, जब हम एलिमेंट्स को
द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल. जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हम ऑब्जर्व करेंगे, अभी हम सारे पीरियोडिक टेबल्स देखेंगे, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट होती हैं. ठीक है, सो जो ये रिपीटिशन होती है प्रॉपर्टीज की रेगुलर इंटरवल के बाद, उसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी. द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ड्यू टू विच एलिमेंट्स आर अरेंज इन द सेम ग्रुप. प्रॉपर्टीज भी रिपीट हो रही है और एलिमेंट्स भी सेम ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं. ठीक है, तो इस और वो ग्रुप में भी कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है. मैंने आपको क्या कहा, हमारे को एलिमेंट्स को स्टडी करना आसान हो जाएगा अगर हम सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक ग्रुप के अंदर प्लेस कर देते हैं. इस नोन एज पीरियोडिसिटी. और इस रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज को जब हम उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरीके से कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो सेम ग्रुप के अंदर एंटर करते हैं, उसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी. ठीक है, तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज हम डिफरेंट डिफरेंट अब पीरियोडिक टेबल में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लासिफिकेशन वॉज डन बाय ए लेवसियर. ए लेवसियर इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री. फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है. इन्होंने पहला क्लासिफिकेशन किया था. और क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई किया था. जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उन्होंने उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई कर दिया. अब भाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासिफाई तो कर दिया, अब उन मेटल्स का क्या होगा जो मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, जैसे कि मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आपने पढ़ा हुआ है. ठीक है ना, तो अब इन मेटल्स के लिए उसने कोई जगह ही नहीं रखी. जब आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स को प्लेस कर दिया, बट मेटलॉइड्स के लिए जैसे जैसे उसकी डिस्कवरी होती गई उनके लिए कोई स्पेस ही नहीं थी, तो इसलिए इनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन रिजेक्ट हो गया. अब एक टर्म, एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर आपसे क्वेश्चन आते हैं गिव द लिमिटेशन, डीमेरिट, ड्रॉबैक, कुछ भी आता है, तो आप इनका मतलब सेम होता है. ठीक है, तो लिमिटेशन कमियां, डीमेरिट क्या वो डिसएडवांटेजेस थे, ड्रॉबैक, तो ये सब एक ही वर्ड है. अगर ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको यही लिखना है कि उस के पीरियोडिक टेबल को रिजेक्ट क्यों किया गया, उसमें क्या क्या कमियां थी. ठीक है, तो किसी भी नाम से ये पूछा जा सकता है, ड्रॉबैक, डीमेरिट और लिमिटेशन. तो इसकी लिमिटेशन क्या थी कि इन्होंने मेटलॉइड्स के लिए कोई प्लेस नहीं छोड़ी और इनका इसलिए पीरियोडिक टेबल रिजेक्ट कर दिया गया. दिस वॉज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन on the basis of metals and non-metals. Okay students, next classification was done by Daubigny. Daubigny's law of triads के नाम से इसको जाना जाता है. Daubigny एक जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनको अरेंज किया तीन के ग्रुप में. सबको तो नहीं कर पाए थे, जितनों को कर सकते थे, जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इनको पता थी, उनको तीन के ग्रुप में अरेंज किया. और उन थ्री के ग्रुप्स को हम कहते हैं ट्रायड्स. ठीक है, ही अरेंज द एलिमेंट्स विद द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी, इन द ग्रुप ऑफ थ्री, थ्री के ग्रुप में, जिसे हम कहते हैं ट्रायड. और कैसे अरेंज किया, इन सच अ मैनर दैट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल वन, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल वन इज द एवरेज ऑफ अदर टू. इन दोनों का जो एवरेज है वो मिडिल वन के बराबर हो. सो इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया एंड दिस इज कॉल्ड डॉबिनियस लॉ ट्रायड. ठीक है, ही अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन द ग्रुप ऑफ थ्री. ठीक है, तीन के ग्रुप में अरेंज किया जिसको उन्होंने कहा ट्रायड्स. और इस तरीके से कि फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज एटॉमिक मास निकल कर आ रहा है दैट इज इक्वल टू द मिडिल वन. लेट्स सी हाउ. ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं. जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. तो इनको ने थ्री के ग्रुप में अरेंज किया. और किस तरीके से अरेंज किया कि लिथियम का एटॉमिक मास इज 6 एंड पोटेशियम का एटॉमिक मास इज 39. तो इन दोनों का जो एवरेज निकाला, एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने नंबर्स होते हैं उनकी उनसे डिवाइड कर दिया, टू से डिवाइड करा, 45 डिवाइडेड बाई टू निकल कर आया 22.5. ठीक है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टू द जो हम एटॉमिक मास इसका है सोडियम का 23, तो अप्रॉक्सीमेटली उसके बराबर है, अप्रॉक्स उसके बराबर था. ठीक है, तो क्या हुआ, ये लॉ तो बिल्कुल सही उन्होंने अरेंज किया. ठीक है,
ट्राइड भी में एलिमेंट्स भी अच्छी तरीके से अरेंज करे उन्होंने, उन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वालों को बुलाए। इस तरीके से उन्होंने दो ट्राइड्स और बनाए, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैलोजन्स होते हैं इनको भी, और कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इनको भी उन्होंने तीन के ग्रुप में अरेंज कर दिया क्योंकि इन तीनों की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन तीनों की, और यही लॉ अप्लाई किया। अब इनका ड्रॉबैक क्या रहा? ड्रॉबैक ये रहा कि सारे एलिमेंट जो उस टाइम तक डिस्कवर हुए थे उनको ट्राइड्स में अरेंज नहीं कर पाए, खाली तीन ही ट्राइड्स बना पाए, 1, 2 and 3, ओनली 3 ट्राइड्स वर फॉर्म्ड। तो दिस वॉज द ड्रॉबैक ऑफ डॉबिनियस लॉ ऑफ ट्राइड। सो ड्रॉबैक क्या हुआ, कमियां क्या हुई? ओनली 3 ट्राइड्स, सिर्फ 3 ही ट्राइड्स फॉर्म कर पाए। सो दिस इज द लिमिटेशन, दिस इज द ड्रॉबैक, दिस इज द डिमेरिट of Dobbinus law of triads. Clear? So this is the second classification. Okay students, third classification hai Newland's law of octaves. Ye Newland ne di thi, inhone apna law of octaves diya tha. Octaves ka matlab hota hai notes of music, music ke notes. Theek hai, ab music ke notes kya hote hain wo hum abhi aate hain, but pehle ye dekhte hain ki kaha kya tha unhone. तो न्यूलैंड ने ये कहा था कि अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल का बेस क्या लिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। सी स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो प्रीवियस पीरियोडिक टेबल थे दे वर बेस्ड ऑन द एटॉमिक मासेस। अब जो आपने देखा इससे पहले डॉबिनियस ट्राइड था वो भी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही अरेंज थे एलिमेंट्स, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, यहाँ पर भी एटॉमिक मास इसके बाद भी, बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तो उन प्रॉब्लम्स को दूर किया हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने बाय द इंट्रोड्यूसिंग द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है कि डॉबिनियस ने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे अपना क्लासिफिकेशन किया और न्यूलैंड ने भी अपना एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। तो उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, जिसमें स्टार्टिंग की उन्होंने हाइड्रोजन से जिसका एटॉमिक मास था 1 और थोरियम जिसका एटॉमिक मास था 56। तो न्यूलैंड्स के पीरियोडिक टेबल में 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, ठीक है, एट दैट टाइम ओनली 56 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, तो उनको उन्होंने अरेंज करा था। अब इनका लॉ क्या था, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज, ये तो हो गया हमारा कि कहाँ से स्टार्ट किया कहाँ ख़त्म किया उन्होंने पीरियोडिक टेबल, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो जब हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट पे रिपीट हो रही थी, फर्स्ट एलिमेंट से रिपीट थी, सिमिलर थी। मैंने आपको पीरियोडिसिटी का मतलब क्या बताया था कि रेगुलर इंटरवल के बाद जब प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं तो यहाँ पर भी वही पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व करी। कैसे? इट वॉज कंपेयर टू द ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब होता है नोट्स ऑफ म्यूजिक, संगीत के सुर, ठीक है। जैसे स रे ग म प द नी, ठीक है, देयर आर 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसके लॉ के अकॉर्डिंग हमने अगर एलिमेंट को यहाँ से अरेंज किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके बराबर हो गई, फर्स्ट वन की। अब हम यहाँ से भी काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसकी किसके बराबर हो गई, इसकी। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके बराबर हो गई, फर्स्ट की, जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, नो डाउट, बहुत ऑर्डरली अरेंज किया कि पहले उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाया, ऐसे 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 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अरेंज किया और हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के सिमिलर हुई, ठीक है। एंड इट वॉज कंपेयर टू नोट्स ऑफ म्यूजिक, नोट्स ऑफ म्यूजिक से उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल कंपेयर कर दिया, इसलिए इनके पीरियोडिक टेबल का नाम पड़ा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन द नोट्स ऑफ म्यूजिक। तो 7 जो नोट्स होते हैं म्यूजिक को उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने कहा कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के सिमिलर है, आप चाहे कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, एलिमेंट्स को प्लेस किया एटॉमिक मास के बेसिस पे प्लेस किया, पर कमियां थी,
देयर वर मेनी ड्रॉबैक्स. अब वो हम स्टडी करते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स रहे इनके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में. ओके स्टूडेंट्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में जो लिमिटेशंस थी, कमियां थी, डीमेरिट्स थे, तीनों में से कोई भी चीज़ पूछी जाएगी, आपको यही पॉइंट्स बताने हैं. लिमिटेशन, हिज लॉ वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली. इसके पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, इनके पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इनका जो लॉ था सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हुआ. कैल्शियम तक एप्लीकेबल होने का मतलब है कि कैल्शियम एटॉमिक मास तक, 40 एटॉमिक मास तक ही एप्लीकेबल हुआ. उसके बाद से ये जो रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी थी, जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, ये वर्क करना बंद हो गया. ठीक है, जैसे कि हर एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी, फर्स्ट के सिमिलर हो रही थी, बट कैल्शियम के बाद से ये लॉ रुक गया, ये रिपीट नहीं कर पाया प्रॉपर्टीज को. ठीक है, देन सेकेंड, ही assumed that only 56 elements existed in nature. कहते हैं confident होना चाहिए, over confident नहीं होना चाहिए. तो he was so over confident कि only 56 elements existed in nature. उस time पे 56 elements की discovery हुई थी periodic table के हिसाब से. तो इन्होंने कहा कि और तो elements है ही नहीं, nature के अंदर exist ही नहीं करते हैं. तो इन्होंने उन 56 elements को प्लेस कर दिया अपने पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, और नए एलिमेंट्स जो डिस्कवर होने थे, या जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास बीच में से मिसिंग था, तो उनके लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ी. और अगर स्पेस छोड़ते भी तो उसको इनके लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में वो प्लेस नहीं हो पा रहे थे जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए. ही अज्यूम्ड ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर, बट लेटर ऑन मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड. जैसे जैसे नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, वूज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इन टू हिज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उनको इनके लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में प्लेस नहीं किया जा सकता था. लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था कि हर थे एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के सिमिलर थी, तो वो नहीं हो पा रहा था. ठीक है, देन दिस वॉज द सेकेंड लिमिटेशन. थर्ड, सम अनलाइक एलिमेंट्स हैव बीन ग्रुप टुगेदर. अब ये भी बहुत बड़ी कमी थी कि जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं उनको इन्होंने एक साथ ग्रुप कर दिया था. इसका एग्जाम्पल था कोबाल्ट एंड निकल. कोबाल्ट एंड निकल को इन्होंने प्लेस कर दिया हेलोजन के साथ, और इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं. ठीक है, कोबाल्ट एंड निकल प्लेस विद हेलोजन्स, जिनकी प्रॉपर्टी अलग होती है. सम अनलाइक एलिमेंट्स हैव बीन ग्रुप टुगेदर एंड सिमिलर एलिमेंट्स वर केप्ट अवे. और कुछ सिमिलर एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है इनको अलग रख दिया. जैसे कि कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी आयरन से मिलती है. ठीक है, तो आयरन को दूर रख दिया और कोबाल्ट और निकल को हेलोजन्स के साथ प्लेस कर दिया. तो डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस टूगेदर, फ्यू, नॉट ऑल, फ्यू, एंड सिमिलर एलिमेंट्स वर केप्ट अवे. सो दिस वॉज द थर्ड ड्रॉबैक और थर्ड लिमिटेशन. तो ये तीन लिमिटेशन है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की. देखिए स्टूडेंट्स, हर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का आपको एडवांटेज लॉ और लिमिटेशन डीमेरिट्स डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया. ड्रॉबैक्स कुछ भी पूछा जाएगा आपको यही लिखना है. ठीक है, लॉ क्या है या मैरिट्स क्या है, वो उनका लॉ ही उनकी मैरिट होती हैं. तो कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, व्हाट आर द मैरिट, मैरिट का मतलब क्या हुआ, जो उन्होंने लॉ प्रिस्क्राइब किया वही तो मैरिट हुआ. तो आपको अगर मैरिट आ जाए तो आपको उसका लॉ ही बताना होता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड इट्स लिमिटेशन. ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लासिफिकेशन था मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव ने क्लासिफाई किया था. मेंडलीव वाज अ रशियन केमिस्ट, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था. मेंडलीव का क्लासिफिकेशन भी एटॉमिक मास पर बेस्ड है. अभी तक आप जो भी पढ़ रहे हो एटॉमिक मास पर बेस्ड है. बस एक लेवोसियर ने जो बिगिनिंग में किया था वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेसिस पे किया था. ठीक है, देन डॉबिनियर्स ने, एंड देन आपका न्यूलैंड ने, और मेंडलीव, तीनों का किस पर क्लासिफिकेशन बेस्ड है, एटॉमिक मासेस पर. नाउ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ एट ग्रुप्स. एट ग्रुप्स कैसे होते हैं, इस तरीके से. ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स एंड सिक्स पीरियड्स. सिक्स पीरियड्स कैसे, ऐसे. ठीक है, तो सिक्स पीरियड्स, एट ग्रुप्स. जितने भी ग्रुप्स थे इसमें से सेवन ग्रुप्स जो थे वो ए और बी पार्ट में डिवाइडेड थे. सेवन ग्रुप्स वर डिवाइडेड इनटू ए एंड बी, एट ग्रुप वाज नॉट क्लासिफाइड. ठीक है, तो इस तरीके से सेवन ग्रुप्स वर डिवाइडेड इनटू ए एंड बी, टू पार्ट्स, ग्रुप वन ए, वन बी, टू ए, टू बी, थ्री ए, थ्री बी, इस तरीके से डिवाइड किया हुआ था. मेंडलीव ने हमारे को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बहुत बड़ा बेस दिया है. जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है दैट इज इंस्पायर्ड टोटली फ्रॉम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने, एलिमेंट्स को अरेंज भी किया था उन्हें प्रॉपरली, बट कुछ कमियां रह गई, वो भी हम देखेंगे डिटेल में कि कमी कहाँ रह गई थी इनके पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, तो इस सबसे पहले बेसिक चीज देखते हैं, एट ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स इस तरीके से एंड सिक्स पीरियड्स इनके पीरियोडिक टेबल में. इनके पीरियोडिक टेबल तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे. एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं,
न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन में 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, 63 एलिमेंट्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स को प्लेस किया जा चुका है। हालांकि कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, इनकी नेमिंग नहीं हुई है, तो अभी वो अगर इंट्रोड्यूस होते हैं तो उसके लिए शायद नया एक पीरियड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो आगे की बातें, अभी हम आज का बेस पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछी जाती है, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ क्या था, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ, आज के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स थे, 6 पीरियड्स थे और हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस में हम ये पॉइंट भी करेंगे। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, ऑफ द एलिमेंट्स, ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ऑफ द एलिमेंट्स आर किसकी। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया, रिपीटेशन, पीरियोडिसिटी जो हमने बात की थी। अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो उनकी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं वो एक ग्रुप के अंदर आती है, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिसिटी मतलब रिपीटेशन होता है प्रॉपर्टीज का। मैंने पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करी थी बिगिनिंग में, तो रिपीटेशन होता है प्रॉपर्टीज का। दिस वॉज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अगर हम उन्हें एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिए अरेंज करते हैं, देन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मेंडलीव का बेस क्या था, दो बेस थे। नंबर वन, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मैंने अभी बताया कि एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज किया अपने पीरियोडिक टेबल में। और दूसरा, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट्स की सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। जिनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले सेम थे उनको इन्होंने सेम ग्रुप के अंदर प्लेस किया, ठीक है। तो एलिमेंट्स हैविंग द सेम फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड सेम फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। तो दिस वॉज द केमिकल प्रॉपर्टी विच हैज टेकन एज द बेस। सो दीज आर द टू बेसिस ऑफ हिज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। लेट्स सी व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अचीवमेंट्स क्या थी, अच्छी बातें क्या थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स वर दैट ही लेफ्ट द गैप फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। न्यूलैंड ने क्या कॉन्फिडेंस दिखाया था, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया था कि और एलिमेंट्स तो डिस्कवर होंगे ही नहीं नेचर में, बट ही वॉज नॉट सो दैट, मतलब इसने वो बेवकूफ़ी नहीं करी, ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या कहा कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर गैप्स छोड़े, स्पेस छोड़े, गैप्स वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। और कुछ एलिमेंट्स को जिनकी डिस्कवरी फ्यूचर में हुई उनके लिए इन्होंने प्रिडिक्शन भी कर दिया था, जैसे कि ईका बोरॉन, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली, विच वर लेटर ऑन डिस्कवर्ड एज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन से तीन एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रिडिक्शन मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के टाइम पे की थी। तो ये एलिमेंट्स के नाम याद रखिएगा, और जो नाम इन्होंने दिए थे ईका बोरॉन, इसका मतलब है कि इनसे पहले प्लेस होंगे। ईका से मतलब है उनसे पहले, बोरॉन से पहले, एल्यूमिनियम से पहले, सिलिकॉन से पहले इनको प्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से इन तीनों एलिमेंट्स के नाम दिए थे और फ्यूचर में जाके ये डिस्कवर हुए। एंड दिस वॉज अ बिग अचीवमेंट कि कोई चीज़ होने वाली है फ्यूचर में और उसके लिए आपने प्रिडिक्शन करी हुई है कि यहाँ पर ये तीन एलिमेंट्स प्लेस होंगे। देन सेकेंड, नोबल गैस वर नॉट नोन एट दैट टाइम। उस टाइम नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इनके पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स को इन्होंने इस तरीके से अरेंज किया था कि जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको सेम उसमें रखा जाए। और केमिकल प्रॉपर्टीज भी कौन सी ली थी, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के फॉर्मूले, ठीक है। तो नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड व्हेन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वॉज फ्रेम। जब उनका पीरियोडिक टेबल फ्रेम किया गया तब तक वो डिस्कवर नहीं हुई थी। लेटर ऑन जब उनकी डिस्कवरी हुई तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्हें एंड में, लास्ट ग्रुप में आसानी से, 18 ग्रुप में हम इजीली प्लेस कर पाए विदाउट डिस्टर्बिंग द पीरियोडिक टेबल। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने अपने पीरियोडिक टेबल को कहीं पर टच नहीं करने दिया और एंड में आके वो आसानी से प्लेस किया जा सकता था उनको, ठीक है। लेटर ऑन दे कैन बी प्लेस विदाउट डिस्टर्बिंग हिज पीरियोडिक टेबल। उनको आसानी से एंड में प्लेस किया जा सकता था क्योंकि वो इनर्ट गैसेज होती हैं। नोबल गैसेज क्या होती है, इनर्ट गैसेज होती हैं, अनरिएक्टिव गैसेज होती हैं। तो किसी की भी ग्रुप से उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी तो उन्हें एक सेपरेट ग्रुप में आसानी से प्लेस कर सकते थे। तो दिस वॉज द अनदर
एडवांटेज कह लीजिए, अचीवमेंट कह लीजिए पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का. देन एटॉमिक मास ऑफ मेनी एलिमेंट्स वर करेक्टेड. मेनी एटॉमिक मासेस वर रॉन्गली प्लेस, रॉन्गली पुट इन द न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल, सो दे वर करेक्टेड. सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. नाउ लेट्स सी द लिमिटेशन, कमियां क्या थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में. अचीवमेंट्स हमने देखी, अब हम देखते हैं ड्रॉबैक्स क्या थे मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के. मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के जो बेसिक ड्रॉबैक्स थे, बेसिक ड्रॉबैक ये थे तीन, ठीक है, थ्री ड्रॉबैक्स वर देयर. नंबर वन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. एक्चुअली द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर टू ग्रुप वन एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल्स को भी रिजेंबल करती है और हैलोजन्स को भी रिजेंबल करते हैं. यानी हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होती है ग्रुप वन एलिमेंट्स एल्कली एंड हैलोजन्स दोनों को रिजेंबल करती है. पर इसको प्लेस किया गया, हाइड्रोजन को प्लेस किया गया ग्रुप वन के अंदर, तो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, ठीक है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को प्लेस किया गया है फर्स्ट ग्रुप के अंदर, तो देर इज अ जस्टिफिकेशन कि इनके पास आउटरमोस्ट शेल यानी कि एक ही शेल होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे ग्रुप वन एलिमेंट में रखा गया है. बट उस टाइम पे क्योंकि एटॉमिक मास पर बेस था तो कोई जस्टिफिकेशन दिया ही नहीं. तो दिस वॉज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ दैट द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट जस्टिफाइड, जस्टिफिकेशन नहीं था कुछ भी. सेकेंड, पोजिशन ऑफ आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, और डिफरेंट मास नंबर होता है, ये एटॉमिक मास होता है, ठीक है. एलिमेंट के होते हैं, सेम एलिमेंट्स के होते हैं, ये आप लोगों ने नाइन्थ में भी पढ़ा है. नाउ पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, इनका पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो था, इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास. अब हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास टोटली अलग है, ठीक है, तो तीनों का एटॉमिक मास 1, 2, 3 अलग है. अब पर पोजीशन तो एक ही हाइड्रोजन को दी गई, कायदे से तो तीन आइसोटॉप्स है, तो तीनों के एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अरेंज करना चाहिए था. क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं, ब्रोमीन के आइसोटॉप्स होते हैं, तो इन सारे एलिमेंट्स को खाली एक एक ही उनको पोजीशन दी गई, तो इट वॉज नॉट द जस्टिफिकेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स. तो अगर एटॉमिक मास पर पीरियोडिक टेबल बेस्ड है तो हर आइसोटॉप जिनका एटॉमिक मास टोटली डिफरेंट होता है सिमिलर एलिमेंट्स के, तो उनको अलग अलग पोजीशन दी जानी चाहिए थी, जो इसमें नहीं हुआ. सो नो सेपरेट पोजीशन टू आइसोटॉप्स हैड बीन असाइंड एज इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज एटॉमिक मास. इनका बेस क्या था पीरियोडिक टेबल का, एटॉमिक मास, तो अलग अलग पोजीशन दी जानी चाहिए थी. जैसे हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं, तीनों के एटॉमिक मास अलग है, तो इट वॉज नॉट डन. सो दिस वॉज द सेकेंड लिमिटेशन, ड्रॉबैक, डीमेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. थर्ड, फ्यू एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन द रॉन्ग ऑर्डर, कि जिनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जो है ज़्यादा है उनको पहले प्लेस कर दिया गया और जिनका एटॉमिक मास कम है उनको बाद में प्लेस किया गया. अकॉर्डिंग टू द लॉ इट वॉज अरेंज, एलिमेंट्स वर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. तो जिनका पहले कम है उनको पहले प्लेस करा जाना चाहिए था, ठीक है. तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर सेम एटॉमिक नंबर ये लिखा हुआ है, ये आइसोटॉप के लिए है, ठीक है. तो ये समझ जाइएगा कि आइसो सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, ठीक है. कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.93 और इसका होता है निकल का 58.71, तो दिस इज लेस. इसको पहले प्लेस किया जाना चाहिए था बट कोबाल्ट वॉज प्लेस फर्स्ट, तो ये रॉन्ग ऑर्डर हो गया, ठीक है. अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगा रहे हैं तो कम वाले को पहले आना चाहिए और ज़्यादा वाले को बाद में आना चाहिए, बट दिस वॉज रॉन्गली प्लेस. सो दिस वॉज द थर्ड ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और क्लासिफिकेशन. इज इट क्लियर? सो आई होप आपको आज हमने जो फोर क्लासिफिकेशन किए हैं, नंबर वन लेवोसियर के बेसिस पे, नंबर टू हमने डॉबिनियस ट्राइड किया, नंबर थ्री न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव किया, नंबर फोर मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल किया, इसकी अचीवमेंट की, जो जो चीज़ यहाँ पर पूछी जाती है मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है. अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन भी और उनसे जो ट्रेंड्स रिलेटेड है जिन पर बेस क्वेश्चन आते हैं, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है. Now wait for my next video. Till that time, take care. Have a nice time. Take care of your health. Remain happy always. Keep smiling. Bye. Take care.